अस्सलामुअलैकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन शिनवारी, वो भी एक नए स्टाइल में। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है मीडियम पे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। ऑयल लेंगे हम, आधा कप ऑयल लिया मैंने। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। चिकन मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसको मैंने अब फ्राई इतना करना है कि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए और ये जो है इसका कलर पिंक पिंक सा हो जाएगा। बस इतना ही हम फ्राई करेंगे इसे। चिकन का कलर देखें चेंज हो चुका है। साथ ही इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये शामिल कर देंगे। और अब इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी फ्राई करेंगे। अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई किया है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बस इसे बहुत अच्छा फ्राई करेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। स्पाइसेस में मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है काली मिर्च का पाउडर, मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ मैंने ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून। देखिए चिकन अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो चुका था। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए 4 टमाटर, इनके मैंने स्लाइस कर लिए थे और इनके मैंने छिलके भी उतार लिए थे। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से भी रख सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उसको स्टीम देने के बाद भी उसके छिलके को उतार सकते हैं टमाटर के, लेकिन मैंने इसे पहले ही इसका छिलका उतार दिया। इस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट होके बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल जाएंगे और हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। साथ ही मैंने डाल दूंगी इसमें सारे स्पाइसेस। स्पाइसेस का वही आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नमक और मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन काली मिर्च का इतनी ज़्यादा वो नहीं होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और लाल मिर्च का पाउडर सिर्फ मैंने इसका कलर चेंज करने के लिए दिया है ताकि इसका अच्छा सा प्यारा सा एक कलर आ जाए। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मैं ले रही हूँ 1/4 कप पानी मैंने डाला है और इसे कवर कर दूंगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम लो पे। बारह मिनट गुजर चुके हैं। देखिए पानी हमारा अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे घुल चुके हैं। बस अब थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से भून लेंगे और साथ ही शामिल कर दूंगी मैं इसमें थोड़ी सी दही। दही मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून दही ले रही हूँ मैं। दही को शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून दही ली, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा सा कम किया है। अब हम इसको दही के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा शामिल कर दूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें देखें मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं और इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा अदरक, ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, और धनिया। थोड़ा सा मैंने ये चीज़ें गार्निश के लिए बचा ली हैं और इसको मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इसका और ये कितने मज़ेदार बनी है।
मज़ेदार सी चिकन शनवारी हमारी देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हमें लगा और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसमें स्पाइसेस डाले, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई है जैसे हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। देखिए इसे बस अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी लास्ट में। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मज़ेदार सी चिकन शनवारी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। मैंने एक लेमन लिया, उसके चार टुकड़े किए हैं, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा अदरक। अदरक को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। फ्लेम को मैं कर दूंगी अब बंद। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।